तो गाइस आज हम ऐसे ऐसी लोकेशन पे जाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी है और दिखती है छोटी पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और आज मैं भी छोटा बनकर इन लोगों के साथ रहूंगा। भाई टीनी लोकेशन पे मैं भी टीनी बन गया और ये आदमी बहुत ही ज्यादा बड़ा दिख रहा है। तो गाइस मेरी सिटी में अब तक 3 टीनी लोकेशन है जहाँ पर कोई नहीं जाता, मतलब वहाँ पे जाते ही पुलिस पकड़ लेती है। समझा क्या फ्रैंकलिन, अगली बार दिखा तो तुझे पक्का हम छोड़ेंगे नहीं। अरे हाँ ठीक है नहीं आऊंगा, ये सारी बंदूकें हटा लो। और इन 3 लोकेशन पे जाने के लिए पुलिस वालों ने मुझे मना किया है, अगर मैं गया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। पर मैं भी जा सकता हूँ, एक काम करना, क्योंकि मैं भी छोटा बन जाऊंगा तो वो पुलिस वाले मुझे नहीं रोक सकते। अगर तू छोटा होगा तो मैं तुझे पकड़ लूंगा, पहले ही बता रहा हूँ कालिया साला, कुछ किया ना छोटा बनाना तो मैं तुझे पकड़ कर पिंजरे में डाल दूंगा। तो गाइस इस बच्चे को इग्नोर करते हैं, सीधा चलते हैं हम लोकेशन पर। और बोलेगा मुझे बच्चा, सिंचन है नाम मेरा, तुझे नहीं छोड़ूंगा सिंचन, रुक तू रुक थाले। A few moments later. तो ये बकचोदी छोड़कर हम चलते हैं सीधा अपने लोकेशन पर, और लोकेशन पे जाके हमें एक आदमी से बात करनी है जो कि हमें छोटा बनाएगा। तो हम सबसे पहले इस वाली लोकेशन पे जाएंगे, और ये लोकेशन खास है क्योंकि ये रेगिस्तान में, और ये रेगिस्तान के कुछ घर है तो घर भी देखने को मिलेंगे हम। तो इसीलिए मैं ये कार नहीं लेके जा रहा हूँ, ये बाइक लेके जा रहा हूँ, क्योंकि रेगिस्तान में अटक गई तो भाई मैं कौन घूमेगा अगर रेगिस्तान में पानी भी तो मिलता नहीं है। तो चलो फटाफट चलते हैं। हम अभी रेगिस्तान के इलाके में जाने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ATV बाइक से ही जाना है। मैं सोच रहा था कि ये ZX 10R चल जाएगी, पर नहीं चलेगी, हमें ये बाइक लेके जानी होगी। तो चलो गाइस मैं बैठ चुका हूँ ATV पे, और ATV बाइक तो मतलब है जैसी लगती है, रेगिस्तान में अटक गई ये नहीं। एक मिनट, वो पुलिस वाला आ रहा ना यार, इधर ही आ रहा, जल्दी जल्दी चलते यार, वरना ये पकड़ लेगा भाई, पुलिस ले जाएगी हमें। गाड़ी स्टार्ट कर, ऑलराइट गाइस इस रेगिस्तान में हम बहुत ही ज्यादा दूर आ गए, और सामने मुझे दिख रहा है कि यही है वो घर। ये जो भी झोपड़ा है ये बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब ज्यादा तो नहीं है, पर इसी के अंदर एक आदमी रहता है। अरे मेरा नाम छोटा नहीं है, मेरा नाम है टीनी। ओहो इसका नाम भी टीनी है। अरे मैं आगे आपसे बात की ना कि मुझे भी टीनी बनना है। ओहो अच्छा अच्छा, तू वही है क्या? मैंने तुम्हारा काम पहले ही कर दिया, ये जो बोतल दिख रही है इस बोतल को पी लो। ओके ठीक है, इसको पी के देख लेता हूँ। ये क्या है, इसमें खास कुछ? अरे ये भाई साहब मैं भी छोटा हो गया। हाँ इसी का कमाल यही है, जैसे पियोगे तुम छोटा बन जाओगे और कुछ समय बाद वापस बड़े बन जाओगे। तो ठीक है गाइस हम जा रहे हैं अभी उसी पहली वाली लोकेशन पे जो कि थोड़ी सी दूर है, वो देखो सामने दिख रही। तो ठीक है गाइस यहाँ पर मैं ये पी रहा हूँ और मैं भी बन जाऊंगा छोटा। तो ठीक है गाइस देख लो मैं ज्यादा छोटा हूँ क्योंकि मेरी ATV बाइक मुझसे बहुत ज्यादा ही बड़ी दिख रही है। और चलो अंदर चलते हैं और अंदर का देखते हैं कि क्या कुछ है अंदर। यहाँ पे बहुत सारे ऊंट दिख रहे हैं, और घर भी मतलब रेगिस्तान में होता वैसे ही है, यहाँ पर टूटे बूटे बहुत ज्यादा पुराने लग रहे हैं मुझे तो। तो तुम बताओ कि ये वाली सिटी तुम्हें कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज्यादा ठीक ठाक ही लग रही है। ओके गाइस यहाँ पे तो मजा ही आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैं जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाऊँ। मुझे लग रहा है फटाफट अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकलते हैं। ठीक है गाइस अभी हम जा रहे हैं सेकंड लोकेशन पर, और वहाँ पे शायद मुझे पुलिस देखने को मिलेगी, यहाँ पे तो शायद मुझे कोई नहीं देखने को मिली है। और हम जहाँ पर जा रहे हैं वो थोड़े से टिनी तो नहीं है, पर थोड़े से मतलब है बड़े। और ये वाली लोकेशन तो हमारे एयरपोर्ट के उस साइड में है, तो मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तो हमें वो वहाँ पे जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।
ओके गाइस, मैं यहाँ पे छोटा बन गया हूँ और सामने तुम देख सकते हो कि ये इतने सारे पुलिस वाले हैं, क्योंकि इस जगह से छोटे छोटे आदमी को पकड़ कर मतलब किडनैप कर लेते हैं, मतलब सिंचियन भी करता है, इसलिए उधर जाने नहीं देते। पर ये देखो, हमें तो ये कुछ भी नहीं कर रहे, हम आराम से जा सकते क्योंकि इनको लग रहा है कि हम भी टीन ही है। ओके गाइस, यहाँ पर बहुत सारी भैंस दिख रही है, मतलब यहाँ पर ये इसी की मतलब इन्हीं की होगी शायद, इन तीन लोगों की। और इनके पास और क्या क्या होगा यहाँ पे, मतलब खेत में होते इनके लिए छोटे मोटे खेत भी है। और ये वाली लोकेशन बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो रखी है भाई, यहाँ पर घर देखो डबल डबल बन रखे है। हेलो, एक मिनट, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा। क्योंकि तुम लोग अंधे हो। क्या बोल रहा है, पता है कौन हूँ मैं? अरे मुझे लग रहा है ये कोई बड़ा होगा भाई, पुलिस वाले के पास नहीं पहुंचा दे। अरे नहीं, मैं यहाँ पे नया आया हूँ। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो घूम सकते हैं आराम से, मैं जाता हूँ। ओके यार, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो क्योंकि धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा हूँ। जैसे बड़ा हो गया, इन पुलिस वालों ने मुझे देख लिया तो भाई जेल में डाल देंगे। तो गाइस, मैं इन लोगों से बच गया और अब मैं जा रहा हूँ लास्ट लोकेशन पर, जो कि हमारा लास्ट ही होगा। और ये वाली लोकेशन थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि इस लोकेशन में हमें भूतिया हाउस भी देखने को मिलेगा। तो चलो फटाफट एयरपोर्ट चलते हैं क्योंकि एयरपोर्ट से इनके लिए फ्लाइट निकलती है, क्योंकि ये जमीन पे नहीं है, बहुत ज्यादा ही हवा में रहते हैं इसलिए। ओके गाइस, ये वाली फ्लाइट अभी तक नहीं गई है, तो मतलब मैं बच गया। अभी चली जाती तो भाई मैं क्या करता। तो जल्दी से जल्दी छोटा बनते हैं और इसके अंदर बैठ जाते हैं। तो गाइस, मुझे लगता है कि हम पहुंच चुके हैं। तो अच्छा, तो ये है एक एयरपोर्ट भाई साहब, यहाँ पर एक छोटा सा टिनी एयरपोर्ट भी है। गाइस, गलती से यार मैं बड़ा हो गया और अब तो सब चीज छोटी दिख रही है। ये देखो इतना बड़ा काला राक्षस खा गया, भागो। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से कूद जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दंगा चल रहा है भाई। बस भाई लोगों, ये वीडियो यहीं पर खत्म हो चुका है। बाकी तुम लोगों को वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि तुम बहुत कम करते हो। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो बाय बाय। और रुको रुको रुको, क्यों वीडियो जल्दी आने वाला है। Oh, 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 oh